मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की नगरपालिका ने शनिवार को शिवपुरी कम्युनिटी हॉल में पट्टे वितरण कार्यक्रम रखा, जिसमें शहर के गरीबों को बुलाकर 65 गरीबों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए। नगरपालिका अध्यक्ष मुन्ना लाल कुशवा, उपाध्यक्ष अनिल शर्मा और SDM शिवपुरी गुर्जर द्वारा आवास मिशन शहरी के तहत भूमिहीन गरीबों को आवासीय पट्टे प्रदान किए गए। इन पट्टों के आधार पर संबंधित अधिकारी आवास योजना के तहत अपने पक्के मकान बना सके। मनिया आदिवासी बस्ती, कटनी आदिवासी बस्ती, पुरानी शिवपुरी, तलैया मोहल्ला के रहने वालों को कल 65 पट्टे बांटे गए। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद द्वारा पट्टे प्रदान किए गए हैं, जिनके पास खुद का कोई आशियाना नहीं था। मध्य प्रदेश सरकार में 16 साल से है ना, ये लोग है ना जहाँ रह रहे थे वहाँ है ना बहुप्रतीक्षित थे, का इनके अंदर एक हमेशा एक डर बना रहता था कि इसी जगह पर जी रह रहे हैं उस जगह से ना हटाना दिया जाए। आज 400 स्क्वायर फुट के है ना जी 65 पट्टे लोगों को प्रदान कर दिया, अधिकार पत्र के रूप में दे दिया गया है। आज से है ना जिस जगह पर जी रह रहे थे वो जगह इनकी हुआ कर हो जाएगी। का बहुत दिन से है ना इन लोगों की ये मांग चल रही थी, जिस पर है ना महाराज श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये पट्टे वितरण किए गए हैं। लगभग कितने परिवारों को पट्टा वितरण किए जा चुके हैं? अभी ये 2014 के सर्वे के आधार पर 65 लोगों को है ना पट्टे वितरण किए गए हैं। आगे भी है ना इसके जिस चरण चलेंगे उस चरण में है ना जो बाकी के लोग रह गए उन्हें भी है ना पट्टे दिए जा रहेंगे। कांग्रेस की सरकार जो है 15 साल बाद आई श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया की वजह से वास्तविक सरकार मतलब इसमें जो कांग्रेस की सरकार बनी श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी के आशीर्वाद और उनकी जो है बहुत अथक मेहनत और प्रयासों से बनी। उसके बाद जो है पहली बार 15 साल के बाद या अब जो है 8 महीने की हमारी कांग्रेस सरकार में जो है पहली बार जो है पट्टा वितरण का कार्यक्रम जो रखा है जो आज नगरपालिका कमेटी हॉल के अंदर रखा है और हमारे 65 जो है पट्टे धारकों को जो है पट्टे झांसे वितरण किए गए हैं श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया के आशीर्वाद से। आगे जो भी कुछ काम होंगे शहर के जो विकास हैं श्रीमान के आशीर्वाद से, चाहे रोड हो, चाहे पानी हो, चाहे मणिखेड़ा जनता हो, चाहे छोटे से छोटे ये काम है, चाहे ग्वालियर से देवास की गोल लाइन हो, चाहे रेलवे लाइन हो, या एक एक इंच एक एक जो है सेंटीमीटर जो विकास हुआ है वो केवल केवल और केवल ज्योतिराज सिंधिया जी की वजह से हुआ है। हमारी पहचान आज जो है शहर में, जिले में और जो है कभी ग्रामीण में आज हमारी पहचान श्रीमद ज्योतिराज सिंधिया के आशीर्वाद से है। हम 7 जन्म भी लेंगे तो श्रीमद ज्योतिराज सिंधिया जी के कभी ऋण चुका नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।